गर्मियों का मौसम आते ही हम कुछ ना कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें बनाते ही रहते हैं, और उसमें भी बात अगर कस्टर्ड की हो तो ये सबकी ही फेवरेट होती है। चलिए बाजार से कई गुना बेहतर और एकदम सस्ती चीज़ों से आज हम बनाएंगे कस्टर्ड पाउडर। अगर घर में कस्टर्ड पाउडर ना हो तो तुरंत आप ये कस्टर्ड पाउडर बना सकते हैं, और उसी कस्टर्ड पाउडर से आज हम बनाएंगे मज़ेदार, एकदम टेस्टी और एकदम डिलाइटफुल ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। आप देखना इस वीडियो को, एक बार देखेंगे ना तो बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए मिलके बनाते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बोल जिसमें हम ये कस्टर्ड पाउडर तैयार करेंगे, और उसके साथ ही हमें लेनी होगी छन्नी जिससे कि बहुत ही बारीक सा हमारा तैयार हो ये कस्टर्ड पाउडर, जैसे मार्केट में मिलता है एकदम महीन वैसा ही। उसके लिए हमें यहाँ पर लेना है कॉर्न स्टार्च। ये मकई के भी आते हैं और गेहूं के भी आते हैं, आपको मार्केट में जो आसानी से मिल जाए वो आप ले लें। और ये कॉर्न स्टार्च मैं 5 टेबल स्पून ले रही हूँ। आप सारी चीज़ों का रेशियो बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं लेना है। अब यहाँ पर लेंगे हम पिसी हुई चीनी। तो चीनी को सिंपली ये रोज़ वाली चीनी है जो हम चाय वगैरह में यूज़ करते हैं ना, बस ये वही है। इसको आप सिंपली इस तरीके से पीस कर पाउडर बना लीजिए, और चीनी की क्वांटिटी आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। हम थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रहे हैं ताकि जब हम इसकी रेसिपी बनाएं तो हमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून चीनी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर जितना चीनी लिया है उतना ही हम यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे मैंने 5 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च डाला है, 3 टेबल स्पून चीनी का पाउडर और 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। बढ़िया क्वालिटी की मिल्क पाउडर यूज़ कीजिए, आपकी कस्टर्ड बहुत ही क्रीमी और बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ ये 3 टेबलस्पून मैंने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर। तो फ्लेवर के लिए आप इस तरीके के वनीला एसेंस आते हैं मार्केट में वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का एसेंस आप ले सकते हैं, केसर वाली, चॉकलेट वाली, बहुत सारे तरह के मार्केट में आते हैं, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपली इलायची के दाने को भी कूट कर बारीक करके डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वनीला फ्लेवर में बना रही हूँ जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, और आप इसे घर में भी आसानी से बना सकते हैं। तो बस 1/4 छोटी चम्मच मैंने ये वनीला एसेंस डाल दी है, और अब सारी चीज़ों को छन्नी में मिलाकर अच्छी तरीके से हम इनको छान लेंगे। इनको छानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अगर चीनी के छोटे बड़े चंक्स रह गए हो तो वो निकल जाए। तो देखिए हमने इनको छानकर बारीक कर लिया है। अब इसमें बारी आती है कलर डालने की, तो आप चाहें तो कलर हटा सकते हैं, सिंपली इस तरीके से वाइट भी रख सकते हैं ताकि जब आपको कस्टर्ड बनानी हो तो आप उसमें फूड कलर डालें, या फिर इस तरीके से वाइट भी इसको रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमें बाज़ार में मिलती है वैसा बनाना है, तो मैं यहाँ पर ये लेमन येलो कलर ले रही हूँ पाउडर वाली। आप लिक्विड भी ले सकते हैं जैसे केक में यूज़ होता है ना, बिल्कुल वही। तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा डाल करके पानी में घोल लिया है। इसको घोल कर डालने से क्या होता है, बढ़िया कलर आता है और एकदम आपको लगेगा नहीं कि ज़्यादा डालें कि कम डालें। 1/4 छोटी चम्मच फूड कलर को हल्का सा पानी लेना है, थोड़ा सा, लगभग आधी छोटी चम्मच पानी में घोल लीजिए, और ये पूरा मिक्सचर हम इसमें डालकर अच्छे तरीके से हाथों से मिलाएंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे ये मिक्सचर एकदम बढ़िया उसी तरह से हो जाएगा जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। तो हाथों से मिलाएंगे तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी जो भी गुठलियाँ कलर की है ना, वो अच्छी तरीके से इस पाउडर में मिलाते जाएंगे। और मिलाने के बाद इसको एकदम एक सार करने के लिए हमें वापस से एक छन्नी लेनी है, थोड़ी बारीक वाली छन्नी का यूज़ कीजिएगा। और अब हम इसमें पूरा मिक्सचर डालकर एक प्लेट में इसको छान लेंगे। छानने से पहले इसको हाथों से इस तरीके से करें ताकि जो कलर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वो अच्छी तरीके से इसमें मिल जाएं और एकदम महीन इसका टेक्सचर हो जाए। बिल्कुल वैसा ही बनके तैयार हो जाएगा जैसे हम बाज़ार की पैकेट वाली लेके आते हैं ना कस्टर्ड पाउडर, वैसे ही। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि बाज़ार वाली जो कस्टर्ड पाउडर होते हैं उसमें एग होता है। तो यहाँ देखिए, अगर आपको लगे कि बाज़ार वाली अच्छी नहीं है तो आप घर पर इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए छन्नी में थोड़ा सा ये कलर हमारे पास बच गया है, तो इसको हम इस तरीके से करते जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा डार्क येलो कलर चाहिए तो ये पूरा आप इस तरीके से करते हुए दबाते हुए छन्नी से छान लीजिए। हम यहाँ पर इसको ज़्यादा येलो नहीं करेंगे, और जो बचा हुआ मिक्सचर है छन्नी में उसको हटा लेंगे। और अब इस पूरे मिक्सचर को एक बार हम चम्मच से चला लेंगे, और ये लीजिए बढ़िया सा, एकदम बढ़िया महीन सा हमारा कस्टर्ड पाउडर तैयार है वनीला फ्लेवर में। आप इसमें अपने हिसाब से फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस सारी चीज़ों का रेशियो ध्यान में रखेंगे ना तो आपकी कस्टर्ड पाउडर भी बिल्कुल ऐसी ही तैयार होगी। और आप इसको स्टोर करें किसी भी कांच के जार में, फ्रिज के साइड डोर में रखें, और लगभग 4 से 5 महीनों तक आप इसे रख सकते हैं, बिल्कुल इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। और जब भी आपको कस्टर्ड पाउडर या कस्टर्ड आइसक्रीम बनानी हो तो आप इससे बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लजीज बनते हैं। इस तरीके से हम इसके ऊपर टैग लगा देंगे ताकि पहचान में आ जाए कि कस्टर्ड पाउडर है। तो कैसी लगी आपको ये कस्टर्ड पाउडर की रेसिपी, ज़रूर से हमें लिख के बताइएगा। चलिए हम इससे अब आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाना बताते हैं। तो ये फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक छोटी सी बोल ले ली है, और इसमें हम यही वाला पाउडर ऐड करेंगे जो हमने अभी तैयार किया। तो लगभग 2 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर ये पाउडर ऐड कर लेंगे,
और इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो मैं छोटी चम्मच से डाल रही हूँ, इसलिए 4 चम्मच डाला है। बड़ी चम्मच से अगर आप निकालें तो 2 बड़ा चम्मच निकाल सकते हैं। और अब इसमें हल्का गुनगुना दूध मैं ऐड कर रही हूँ, लगभग 5 टेबल स्पून, और अच्छी तरीके से इसको घोल करके हम साइड में रखेंगे। पहले ही घोल कर रखना होता है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने इसमें और एकदम एक सार ये मिक्सचर हो जाए। ये देखें, बिल्कुल वैसा ही अगर आप मार्केट वाली कस्टर्ड पाउडर को भी घोलेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होगा, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी मार्केट से अलग नहीं है, एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, मिक्सचर हमने घोल कर तैयार कर लिया है, अभी इसको रखते हैं साइड में और अब तैयार करेंगे हमारा फ्रूट कस्टर्ड का बेस। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, आप नॉनस्टिक ले लें या फिर लोहे की कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, भारी तली का बर्तन यूज़ कीजिएगा। इसमें हम 2 कप दूध ऐड कर लेंगे, फुल क्रीम भी ले सकते हैं, टोन मिल्क भी ले सकते हैं। और अब इस पैन को हम रख देंगे गैस के ऊपर और दूध को 1 उबाल आने तक गर्म करेंगे। तो देख सकते हैं दूध में अच्छा खासा उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को एकदम कम करेंगे और इसमें डालेंगे ये कस्टर्ड हमारा जो हम तैयार करके रखे थे ना मिक्सर में वो, लेकिन एक बार में पूरा मत डालिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है लम्स बन जाते हैं और उस लम्स को हटाना ईजी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालें और मिलाते जाएं ताकि गुठलियाँ बनने की कोई चांसेस ना हो। तो यहाँ मैंने पूरा ये मिक्सचर इस दूध में ऐड कर लिया है। अब इस टाइम पे हम फ्लेम को एकदम कम ही रखेंगे और लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि कस्टर्ड का जो मिक्सचर है एकदम गाढ़ा ना हो जाए दूध हमारा, और हल्की हल्की से जो साइड साइड से जो चिपक रही है ना उसको भी हटाते जाइएगा ताकि एकदम रबड़ी वाला टेस्ट भी आए इसमें। लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया जितना हमें फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए चाहिए। आप किसी भी स्पैचुला पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं उंगलियों की मदद से, तो आपको पता चलेगा कि ये बढ़िया से परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसको और गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इसको और गाढ़ा करेंगे और जैसे ही ठंडा होगा एकदम गाढ़ा और थिक हो जाएगा। तो इसको अब हम इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद करेंगे और ये पूरा मिक्सचर हम डाल देंगे एक बड़ी सी बोल के अंदर, और चलिए इसको या तो फ्रिज में रख लें या फिर रूम टेम्परेचर पर ही पूरी तरीके से इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। गरम गरम में हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और चलिए अब हम तैयार करेंगे हमारा फ्रूट कस्टर्ड। तो उसके लिए मैंने कुछ फ्रूट्स तैयार किए जिसमें एप्पल, पेयर, थोड़े से ग्रेप्स और थोड़ी सी मैंने ली है अनार के दाने, 1 केला लिया है और सारी चीज़ों को बारीक काट कर लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने आधा आधा कप के हिसाब से मेज़र करके ली है। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कीवी हो गया, वाटरमेलन, या फिर मैंगो का सीजन आ रहा है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा कस्टर्ड जो हमने तैयार किया था मिल्क वो तैयार हो गया है, ठंडा हो गया है। तो अब ये ठंडी ठंडी मिल्क हम इस फ्रूट के ऊपर ऐड कर लेंगे। आप टेक्सचर इसका देख सकते हैं, ठंडा होने के बाद इतना ही पतला होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं करना है आइसक्रीम की तरह। और अब ये सारे फ्रूट्स को हम इसके अंदर मिला लेंगे बढ़िया से। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैंने दूध को उबालते समय यानी कस्टर्ड बनाते समय इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर बनाते समय चीनी की मात्रा ज़्यादा डाली थी। तो अगर आप चीनी की मात्रा कम डाल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें मिठास बढ़ा सकते हैं यानी चीनी फिर से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी नहीं डाली है क्योंकि फ्रूट्स में भी काफ़ी मिठास होती है। अब इसको गार्निश करने के लिए थोड़े से मैंने अनार के दाने इसके ऊपर डाल दिए हैं, चाहे तो फिर से थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रूट्स भी जो ऐड किए हैं ना वो भी फ्रिज में रखने के बाद ही डाला है, मतलब सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तैयार हो चुकी हैं। तो अब चलिए इनको सर्व कर लेते हैं और आप इनका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा हमें चाहिए। जो मिल्क की कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, और सारी चीज़ों का रेशियो आपको बराबर रखना है। तो अगर आप इस तरीके से कस्टर्ड पाउडर बनाते हैं तो आपकी जो फ्रूट कस्टर्ड है वो ऐसे ही लजीज और डिलाइटफुल बनेगी। तो ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए, रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी कस्टर्ड पाउडर से मैं जल्दी ही आपके लिए कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आऊँगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि रोज़ आपके पास एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। गर्मियों की खास या फिर आइसक्रीम की रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हैं एकदम नई नई तरीके से, तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से चेक करें और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। चलिए कल फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।